अगर मीका के साथ सलमान खान काम करेंगे तो वो भी हो जाएंगे बैन। इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच सिंगर मीका सिंह ने पिछले हफ्ते कराची में परफॉर्म किया। इसके बाद मीका सिंह को ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बैन कर दिया। हालांकि मीका सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी भी मांगी। अब खबरें हैं कि सलमान खान को भी बैन किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो जब से मीका सिंह को बैन किया गया है तब से इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मीका के साथ काम करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान अगले हफ्ते मीका के साथ एक प्रोग्राम करने वाले हैं और ये प्रोग्राम अमेरिका के अलग अलग शहरों में होगा। सलमान के इस टूर को अप क्लोज एंड पर्सनल विद सलमान खान नाम दिया गया है। सोहेल खान की इवेंट कंपनी ने जॉर्डी पटेल की कंपनी के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। मीका सिंह 28 अगस्त को हॉस्टन में होने वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक खबर के मुताबिक जॉर्डी पटेल से जब प्रोग्राम में मीका के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम केवल भावेश पटेल के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है। यूएस के कुछ लोकल प्रमोटर ने मीका को इन्वाइट किया है। सलमान मीका के साथ कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ तक कि वो उनके साथ स्टेज भी शेयर नहीं करेंगे। हालांकि FWICE के मेंबर अशोक दुबे ने कहा कि अगर इंडस्ट्री में कोई मीका के साथ काम करता है तो उसे भी बैन कर दिया जाएगा। अगर हम बैन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सभी टेक्निकल जिसमें एक्टर डायरेक्टर और यहाँ तक कि स्पॉट बॉय भी शामिल हैं और वो मीका के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, यदि कोई बैन के दौरान मीका के साथ काम करता है फिर चाहे वो सलमान हो या कोई और तो उस पर भी बैन लगाया जाएगा, चाहे वो अमेरिका का ऑर्गेनाइजर हो या फिर किसी दूसरे देश का। हम किसी को भी कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं रोक सकते। हमारी पॉलिसी सिंपल है, हम उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे जिस पर बैन लगाया गया है।